अनामिका पांडे सबसे पहले बात करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची के लोहर कोचा में मारपीट हुई है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। लोहर कोचा में ये घटना सामने आई है। रांची के लोहर कोचा में हिंसक झड़प हुई है, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के उस इलाके की जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है। राजधानी रांची के लोहर कोचा में कई लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कैसे बुरे तरह से लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मोबाइल से ये फुटेज बनाया और ये तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची के लोहर कोचा इलाके की जहां पर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता सनी शरद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सनी, किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए अनामिका, ये लालपुर थाना क्षेत्र के लोहरा कोचा जो गली है उसी की घटना है। आपसी विवाद हुआ था कल देर रात ही, किसी बात को लेकर पड़ोस में ही रहने वाले लोगों से विवाद हुआ था और वो विवाद आज सुबह भी बढ़ गया। घर के सामने बकरी बांधने को लेकर आज फिर सुबह विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे एक पत्थर सभी जले। 12 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए हैं और उसके बाद दोनों ओर से थाना पहुंचा है और थाना में दोनों तरफ से मामला दर्ज किया गया है। जो घायल लोग थे उनका इलाज कराया गया है और दोनों तरफ से मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद पुलिस का कहना है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सनी, कुल कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं क्योंकि महिलाएं भी तस्वीरों में हम देख रहे हैं, महिलाओं के साथ भी झड़प हुई है यहाँ पर? अब बिल्कुल, देखिए चूंकि पड़ोस का विवाद था और आसपास रहने वाली जितनी महिला थी, खास करके दोनों जो परिवार से विवाद हुआ है, दोनों परिवार की महिलाएं थी और दोनों आपस में ही भिड़ी थी और पुरुष भी आपस में भिड़े थे। लाठी चला, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले और उसके बाद कई के सर में भी गंभीर चोटें लगी है, उनका इलाज कराया गया सदर अस्पताल में और उसके बाद सभी थाने पहुंचे थे और थाने में मामला दोनों तरफ से दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस बोल रही है कि आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सनी जानकारी के लिए। रांची में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुस्साए लोगों ने करबला चौक के पास एकजुट होकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इसकी वजह से मौके पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक लोग परेशान रहे। इस मौके पर लोगों का कहना था कि इन्हें तो पानी मिल पा रहा है जबकि बड़े बड़े होटलों में पानी की सप्लाई खूब हो रही है जबकि इन तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। राजधानी रांची की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पानी को लेकर करबला चौक के पास प्रदर्शन किया गया। अभी गर्मी की शुरुआत है, मार्च का महीना है और ऐसे में अभी से ही जल संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मई जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, अगर अभी शुरुआती दौर में ये हाल है तो आगे यहां पानी की कितनी परेशानी होगी, लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये इन तस्वीरों, इस प्रदर्शन, इस हंगामे से देखकर समझा जा सकता है। अगर समय पर निगम की ओर से कोई कदम जल्द नहीं उठाए गए पानी की सप्लाई के लिए, लोगों को सही समय पर पानी मुहैया कराने के लिए, तो ये हंगामा, ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। चारा घोटाले में तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय बनाए गए अभियुक्त, समन जारी। लालू की तरफ से दायर आवेदन पर आदेश जारी कर दिया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा, एजी ऑफिस के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रमोद कुमार को अभियुक्त बनाया है। अदालत ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सह सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर 16 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। लालू यादव के वकील की ओर से ये बात उठाई गई थी जिसके बाद अब तत्कालीन एजी मुखोपाध्याय समेत कई अन्य लोगों पर भी मामला चलाने के आदेश दिए गए हैं। चारा घोटाले के दो केस में पहले से ही सजा काट रहे लालू के खिलाफ चल रहे एक अन्य केस में सीबीआई कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। आरसी 38 दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में गुरुवार को फैसला टल गया था देवघर और चाईबासा के बाद। अब दुमका कोषागार से जुड़े इस
मामले में लालू जगन्नाथ मिश्र समेत 31 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर इस केस में बिहार के तत्कालीन एजी को आरोपी बनाने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा, एजी ऑफिस के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रमोद कुमार को अभियुक्त बनाया है और इनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है। और जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, फैसले को लेकर इंतजार तो था ही कि लालू यादव पर क्या फैसला आ सकता है दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में, लेकिन इन सब के बीच तत्कालीन अधिकारियों पर जिनको लेकर आवेदन भी किया गया था लालू यादव के वकील की ओर से, उनकी मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। जी जाहिर सी बात है, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अभी जो ताजा डिसीजन आया है शिवपाल सिंह की अदालत से, वो कहीं ना कहीं लालू यादव को राहत पहुंचाता नजर आ रहा है। एग्जैक्टली क्या डिसीजन है, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट संजय कुमार, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी पिटीशन को लेकर क्या कुछ फैसला है? देखिए, जो पिटीशन को लेकर जो लालू प्रसाद यादव की ओर से याचिका दाखिल किया गया था, ये कहा गया था कि एजी को इसमें पार्टी बनाया जाए और अंडर सेक्शन 319 में पिटीशन फाइल किया गया था, उसी के तहत वे माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। उस पारित में पिटीशन जो है तो अलाउ कर दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और यह कहा गया है पिटिशनर को ही कहा गया है कि सेंक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन सेंक्शन जो प्राप्त कर ले वो खुद सेंक्शन पिटिशनर को ही आदेश दिया गया कि आप इनके विरुद्ध में जो सेंक्शन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से सेंक्शन प्राप्त करके उसके बाद 16/4 तक इसको न्यायालय में दाखिल करें, और मूल अभिलेख से इस अभिलेख को अलग रखा करने का डायरेक्शन दिया गया है कि अलग अभिलेख को रखा जाए और अलग ही चलेगा मामला। तो दूसरा जो फैसला आना था दुमका मामले को लेकर, हालांकि पिटीशन के बाद से फैसला टाल दिया गया था, तो अभी फैसले को लेकर क्या स्टेटस है? देखिए, फैसले को जो स्टेटस है, हमने कोर्ट से प्रे किया है तो उन्होंने कहा कि रेगुलर सुनवाई जो होती है पुष्पारण मजिस्ट्रेट के 2 बजे से होती है, तो 2 बजे हम बताएंगे, 2 बजे ही सुनवाई के तहत में हम लोग को पता चलेगा कि फैसला क्या हो सकता है, फैसला तिथि क्या होगी या फैसला कब होगी। एक अहम सवाल ये भी है कि जब लालू यादव की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और समन जारी करने का आदेश दे दिया गया है, तो लालू यादव के लिए ये कितनी राहत बड़ी खबर है और आगे जो फैसला आएगा उसमें कितना इफेक्टेड होगा ये फैसला? देखिए, सही बात है कि चूंकि लालू प्रसाद यादव एवं अन्य अभियुक्त जो पशुपालन में, सभी लोगों से बात कही जा रही थी कि एजी की भूमिका अहम भूमिका है और ये बात एजी को बनाया गया है, एजी के द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, तो इसमें राहत की बात जरूर है। चूंकि एजी के बात अगर आते हैं तो एजी की सारी बात सामने आ जाएगी कि आखिर एजी का कहाँ रोल थी, क्या करती थी, एजी की भूमिका कहाँ थे, तो राहत की बात है इसमें। जाहिर तौर पर अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति ये है कि अभी लालू यादव के लिए राहत बड़ी खबर है, लेकिन अभी दूसरी पाली में जब वापस अदालत बैठेगी उसके बाद ही निकल कर सामने आएगा कि दुमका मामले पर फैसले को लेकर कोर्ट का अगला क्या रुख होगा। जी बिल्कुल, और इस बात की कंफर्मेशन कोई हो पाई है कामरान कि क्या आज लालू यादव के मामले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोई फैसला आ सकता है आज? बिल्कुल, इसकी भी जानकारी हम सीधे अधिवक्ता संजय कुमार से लेंगे। सर, इस बात को लेकर क्या कंफर्मेशन है कि जो दुमका मामले पर फैसला आना था वो आज आएगा? दुमका मामला जो फैसला है कि आज ही करेंगे या तो फिर कभी आने वाले तारीख में करेंगे, 2 बजे के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, फैसले को लेकर संशय बरकरार है और 2 बजे के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि दुमका मामले पर जो फैसला आना था वो आज आएगा या फिर इसे किसी अगले तारीख के लिए टाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए कामरान। तो 2 बजे के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर लालू यादव पर आज फैसला आएगा या नहीं, थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव पर आज फैसला आ सकता है। इसके पहले ही लालू यादव 2 मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। रांची के होटवार जेल में लालू यादव इस वक्त बंद हैं। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 23 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि न्यायाधीश ए के सिंह की अदालत में लालू यादव की याचिका सूचीबद्ध थी, लेकिन इस पर सुनवाई अगली तारीख तक चल गई है। चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट की तरफ से 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में लालू यादव होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। आज जब हाईकोर्ट में लालू से जुड़ी याचिका की सुनवाई हुई तो सीबीआई ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है और इस मामले में लालू प्रसाद के वकील ने आज हाईकोर्ट में बेल पिटीशन मूव किया था। आज सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ प्रभा जी? आज उसकी सुनवाई हुई और हम लोग जब बहस शुरू किए तो सीबीआई की तरफ से जो वकील साहब थे
उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर इसमें तैयार नहीं है, इसलिए कि हमको एक समय दिया जाए, और हम लोग उसको अपोज किए, पर कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ता का टाइम दिया है और डायरेक्शन दिया है कि अगले फ्राइडे को जो है आप मेरिट पर तैयार होके आइएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, पिछले बार भी नहीं हो पाया था, इस बार भी सीबीआई का जो काम है उस पर क्या लग रहा है, जो टाइम लिया गया उस पर आपको क्या लग रहा है? हम तो जेल के अंदर हैं, हमारे क्लाइंट जो हैं, अब एक एक हफ्ता करके जो है हमको जेल का जो पीरियड बढ़ाते चला जा रहा है। अब उन लोग जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं या कर, तो वही अच्छी तरह से बता पाएंगे, पर हम तो जेल के अंदर ही हैं। अच्छा, आपका क्या होमवर्क था और इस पॉइंट को, चाईबासा मामले को लेकर? हम लोग का ये कहना है कि हमको जो सजा दिया गया है वो गलत दिया गया है, इट इज कंट्ररी टू द एविडेंस, कंट्ररी टू द डॉक्यूमेंट्स। कोई भी फाइल, कोई भी रिपोर्ट्स या कोई भी गवाह जो है उसको हमारे खिलाफ नहीं बोली है, मेरा तो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर ही है, हर एक डॉक्यूमेंट में सही चीज था, और कोर्ट ने सजा किया है, हम उसी चीज को यहां पर रखेंगे। तो आज चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई टल गई है, अब अगली सुनवाई एक हफ्ता बाद होगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। आज ओटवार जेल में लालू से मुलाकात कर रहा था। झारखंड में विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने आज लालू से मुलाकात की, वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी भी लालू से ओटवार जेल में मिली। जेल मैनुअल के मुताबिक आज मुलाकात का दिन था, वहीं लालू की एक झलक पाने के लिए ओटवार जेल के बाहर समर्थक भी जुटे, इसे लेकर खास व्यवस्था की गई थी। लालू से मुलाकात कर बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हालचाल लेने गए थे। साथ ही बिहार उपचुनाव में आरजेडी की जीत पर हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी को उधेड़ने की असीम संभावना है, इसमें जेएमएम अहम भूमिका अदा करेगी। लालू प्रसाद यादव से जेल में मुलाकात कर हेमंत सोरेन लौटे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए हेमंत जी, क्या कुछ बातें हुई? जैसा कि आपको पता है कि आदरणीय लालू जी झारखंड के इस जेल में है और हम लोग से चार मुलाकात करते रहते हैं, और कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी होती है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या दूसरी बार आए इसलिए? बहुत उसे खास नहीं, जस्ट एक शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में बैठक भी हुई थी यूपीओ की, उसको लेकर कुछ बात? वो उनको भी मालूम है, उनके प्रतिनिधि भी गए थे, तो बेहतर वो बता देंगे उनको। उपचुनाव में जिस तरह से जीत हुई बिहार में, उसको लेकर फिर झारखंड में कुछ रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से? देखिए, यहाँ तो बिल्कुल असीम संभावनाएं हैं बीजेपी को खदेड़ने के लिए, और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य भूमिका में है, और आदरणीय लालू जी का मार्गदर्शन है। तो कुछ और खास बातें हुई लालू जी से? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सेहत तबीयत ठीक नहीं थी, जो हमें जानकारी मिली थी उसको लेके हम लोग देखने आए थे। बिल्कुल, ये हेमंत सोरेन थे जो बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर क्या कुछ उनसे बातें हुई। कैमरन विशाल के साथ सनी सारा, जी मीडिया, रांची। होटवार जेल में बंद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आने वाले लोग हर दिन तरह तरह की चीजें लेकर पहुंचते हैं। आज आरजेडी युवा के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह लालू के लिए एक कुर्सी लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि लालू जी को पाइल्स की बीमारी है और डॉक्टरों ने स्टीम बाथ लेने को कहा है, इसलिए ये स्टीम बाथ चेयर लेकर पहुंचे हैं। ये स्टीम बाथ डॉक्टर द्वारा प्रेसराइज है, ये जब राहत से मिलती है और इसी के लिए भेजा जा रहा है। तो क्या वो डिमांड की थी आप लोग? नहीं नहीं, आपने हम लोग अपने तरीके कोई डिमांड डॉक्टर के सलाह पर, डॉक्टर के सलाह पे पाइल्स के लिए होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब होता है, क्योंकि यहाँ होगा नहीं सर के पास, तो हम लोग अपने तरीके से लेके आए हैं इसे, अपने तरीके से अपने लिए। अच्छा, वहाँ से कोई डिमांड नहीं था आप लोग? नहीं, डिमांड नहीं था, डिमांड नहीं था, पर सर को है प्रॉब्लम तो हम अपने इच्छा से हम लोग जो है, क्योंकि बहुत ही परेशानी वाली चीज है ये। धनबाद के टाउन हॉल स्थित साक्षरता भवन में अचानक भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी एसडीएम और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की तीन दमकल गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
डीसी एसएसपी और अन्य अधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर यहां स्ट्रांग रूम बनाया गया था। मैट्रिक और इंटर के प्रश्न पत्रों को इसी भवन के कमरे में सील कर रखा गया था। गनीमत यह रही कि आग प्रश्न पत्र के कमरे तक नहीं पहुंची, फिर भी बताया जा रहा है कि इस आग में कई कागजात जलकर राख हो गए। मामले की जांच की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दलेर मेहंदी दोषी करार दिए गए हैं, मानव तस्करी के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं। 2 से 3 मामले थे जिनमें वो दोषी करार दिए गए हैं। दलेर मेहंदी पंजाबी सिंगर हैं जो कि दोषी करार दिए गए हैं मानव तस्करी के आरोप में। आपको बता दें पिछले दिनों दलेर मेहंदी पर आरोप लगे थे कि वो भारत से लोगों को बाहर भेजते हैं नौकरी के नाम पर, कबूतरबाजी के आरोप उन पर लगे थे और अब इस आरोप में उन्हें दोषी करार दिया गया है। दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दलेर मेहंदी दोषी करार दिए गए हैं, मानव तस्करी के आरोप में दोषी करार दिए गए हैं। साल 2003 का ये मामला है जिसमें अब वो दोषी करार दिए गए हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। 2003 में उन पर मानव तस्करी का आरोप लगा था। पंजाबी सिंगर हैं दलेर मेहंदी जो कि दोषी करार दिए गए हैं, मानव तस्करी के आरोप थे उन पर जिसमें अब वो दोषी करार दे दिए गए हैं। 2003 में ये आरोप लगे थे जिस पर लगातार मामला चल रहा था, ट्रायल चल रहा था और अब दलेर मेहंदी इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। मानव तस्करी के मामले में दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया गया है। दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि 2003 का ये मामला है जिसमें दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया गया है। पंजाबी सिंगर हैं दलेर मेहंदी जिनके खिलाफ मानव तस्करी के आरोप लगे थे। पंजाब के पटियाला की अदालत ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया है। 15 साल बाद दलेर मेहंदी पर ये दोषी करार दिया गया है, ये फैसला आया है, उन्हें दोषी करार दिया गया है। 2003 में उन पर मानव तस्करी के आरोप लगे थे। पंजाब के पटियाला कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। 15 साल बाद दलेर मेहंदी दोषी करार दिए गए हैं। आपराधिक साजिश के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है। 2003 का यह मामला था लेकिन आज उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया है। साल 2018 में दलेर मेहंदी दोषी करार दिए गए हैं। लोगों को बरगलाकर देश से बाहर भेजने के आरोप दलेर मेहंदी पर 2003 में लगे थे जिस मामले में दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया गया है।